हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन आरटीपी मई 22 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। अगेन एज यूजुअल, ये चैप्टर बहुत ही काम का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। और ये चैप्टर है अकाउंट्स करंट। थोड़ा सा कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा होता है, तो डेज वगैरह एकदम ही केयरफुली हमें कैलकुलेट करने हैं। आइए चलते हैं, सीखते हैं अकाउंट करंट कैसे बनाते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मैं बिना आगे पढ़े मैं सीधा लास्ट लाइन पे जाता हूं। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन में लिखा है ड्रॉप अकाउंट करंट अप टू 31 मार्च टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई। तो एक्स ये अकाउंट करंट बना रहा है, तो हम एक्स की बुक्स में बना रहे हैं, इतना याद रखना है। आई विल रिपीट, टू बी रेंडर्ड बाय एक्स मतलब एक्स ये अकाउंट करंट बनाने वाला है, तो एक्स के बुक्स में वाई का लेजर हमें बनाना है। तो हम एक्स बन जाएंगे और पूरा क्वेश्चन एक्स बन के सोचेंगे। चार्जिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट रुपी। तो आप ये सोचिए कि मैं एक्स हूं और वाई मेरी ऑफिस में आया है और वाई पैसे लेकर आया है कि आज मैं आपका अकाउंट पूरा सेटल कर देता हूं, और आज का दिन है 31 मार्च। तो 31 मार्च को एक्स और वाई आमने सामने बैठे हैं एंड वाई इज रेडी टू पे एक्स वॉट एवर द बैलेंस अमाउंट इज। तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ में कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट अक्टूबर बैलेंस ड्यू 2x by y, यानी x को y से पैसे लेने हैं, तो ये डेबिट बैलेंस होगा। तो ये आ जाएगा अक्टूबर 1 और 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका ड्यू डेट, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1 अक्टूबर 2020। और इसका ड्यू डेट के कॉलम में भी मैं सेम डेट लिखूंगा। अमाउंट के कॉलम में मैं लिख दूंगा 3000। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड मैं जरा हेडिंग्स बता दूं आपको। इन द बुक्स ऑफ एक्स पहले ही बताया, वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स दैट इज हाउ इट इज रिटर्न। और इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है अप टू 31 मार्च एट 10% पर एनम, दिस हैज टू बी रिटर्न ऑन द टॉप। ये जो कॉलम्स है वो बता दूं, ये पूरा हमारा डेबिट साइड है और ये पूरा हमारा क्रेडिट साइड है। कॉलम्स सिमिलर हैं, डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट अमाउंट डेज कैलकुलेट करने हैं और प्रोडक्ट। तो ये वाला पार्ट समवॉट सिमिलर टू एवरेज ड्यू डेट है। यहाँ पे डे जो काउंट करने हैं हमें वो फर्स्ट, ये जो भी ड्यू डेट लिखेंगे वहां से लेकर 31 मार्च तक। तो एवरेज ड्यू डेट में बेस डेट से डेज कैलकुलेट करते, यहाँ पे ड्यू डेट से लास्ट डेट तक यानी कि 31 मार्च तक के डेज काउंट करने। अब मैंने इधर नीचे एक वर्किंग नोट बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। और क्योंकि 1 अक्टूबर स्टार्टिंग है और 31 मार्च एंडिंग है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेबर मार्च के मंथ लिख दिए हैं और ऊपर लिख दिया है नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। फेब्रुआरी 2021 आने वाला है बेटा, अक्टूबर 20 है तो मार्च 21 जो लीप ईयर नहीं है, तो फेब्रुआरी के ऊपर 28 डेज लिख दिया है, ठीक है। तो अभी मुझे डेज कैलकुलेट करना है। मैं जैसे बताया एक एक ट्रांजैक्शन करूंगा उसका डेज कैलकुलेट करूंगा। तो 1 अक्टूबर को बैलेंस लेना है, 1 अक्टूबर भी गिनती किया जाएगा, ओके। तो नॉर्मली हम काउंट करते हैं 1 to 31, 30 डेज है ना, पर जब बैलेंस दिया होता है तो एक और दिन आपको ऐड कर देना, ऐसे याद रखिए। एक और बार रिपीट करता हूं, अगर एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन होता तो 1 to 31 हम इधर 30 डेज लिखते हैं, पर ये अकाउंट करंट में जब जब ऐसे ओपनिंग बैलेंस दिया है तो आपको फर्स्ट डे भी काउंट करना होता है। तो जो भी आपने काउंट किया ना उसमें एक और डे ऐड कर देना, ये लॉजिक आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर 31 डेज, उसके बाद 30 डेज, फिर 31 डेज, फिर 31 डेज, फिर 28 डेज और फिर 31, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 182 डेज होते हैं। तो मैं यहाँ पे डेज में लिखूंगा 182।
प्रोडक्ट चाहिए तो मैं बाद में कैलकुलेट कर लूंगा सबका साथ में, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। 18 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, तो मैं एक्स हूं, मैंने वाई को सेल किया है, तो एंट्री होता है वाई टू सेल्स अकाउंट। अच्छा डेट क्या लिखना है सर? 18 अक्टूबर 2020। उन्होंने ड्यू डेट के बारे में कुछ बताया नहीं है, नंबर ऑफ डेज के बारे में बताया नहीं है, तो फिर कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है और ड्यू डेट आपको 18 अक्टूबर ही लिखना है। वर्किंग नोट में जाएंगे, इधर 18 अक्टूबर लिखा है। 18 से 31 कितने दिन होते हैं बेटा? 13 दिन होते हैं 18 से 31, और फिर ये ऊपर वाले जो डेज हैं वो तो सेम रहेंगे बेटा, ये सेम मैंने कॉपी कर लिया, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको लिखना है पूरा और चेक करना है कितना दिन हुआ, 164 डेज हुआ। तो ये मैंने लिखा इधर अमाउंट, अमाउंट लिखा 2500 और डेज में लिखा 164, ठीक है। एक और बार रिवाइज करते हैं। 18 अक्टूबर को हमने गुड सेल किया है, हमने वाई को सेल किया है, तो एंट्री होता है वाई टू सेल्स, ये वाई का अकाउंट है तो वाई टू सेल्स। अब डेज गिनने हैं 18 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो इधर मैंने वर्किंग नोट बनाया 18 से 31, 13 दिन होते हैं, और फिर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च के पूरे दिन होंगे, सो 164 डेज ऐसे आने वाले हैं। चलिए 16 नवंबर गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, तो मैं एक्स हूं, मैंने गुड्स परचेस किया है, तो परचेस टू वाई ये एंट्री होने वाला है, परचेस टू वाई, तो वाई के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। डेट है आपका 16th of November 2020। अब इधर ब्रैकेट में लिखा है इनवॉइस डेटेड 26 नवंबर, तो ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट हम लेंगे 26 नवंबर 2020। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 4000 रुपया, और अब मैं ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा, तो 26 नवंबर मैं यहां पे लिखने वाला हूं, 26 नवंबर 2020, ठीक है। ये मैं सारा डिलीट कर देता हूं बेटा, हाँ 26 नवंबर 2020, तो 26 नवंबर से 30 नवंबर, 4 दिन, और आगे का मैं पूरा कॉपी कर रहा हूं, ये हो गया आपका कॉपी। तो कितने दिन हुए बेटा? 125, ऊपर जाके मैं इधर लिख रहा हूं डेज में 125 डेज। आगे December 7 अगेन गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, तो 7 December 2020 बाय परचेस, और ड्यू डेट है 17th दिसंबर, 17 दिसंबर 2020, तो मैं इधर नीचे आ गया 17th दिसंबर 2020, तो 17 दिसंबर से 31, तो ये 14 दिन इसके, और फिर ये तो कॉपी सेम टू सेम, तो 104 दिन होते हैं 17 दिसंबर से 31 मार्च। तो अमाउंट में हमने लिख दिया 3,500 और डेज में लिख दिया 104। अभी 3rd जनवरी को प्रॉमिसरी नोट गिवन बाय एक्स टू वाई, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे कजिन है एकदम ही, तो हमें हमने यानी कि एक्स ने वाई को एक बिल साइन करके दिया, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस, आई शपथ मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद 5,000, तो ठीक है। अब ईयर चेंज हो रहा है तो 2020 के जगह पे 2021 लिखेंगे, एंट्री होना चाहिए वाई टू बिल्स पेएबल, टू प्रॉमिसरी नोट ऐसा नहीं लिखते हैं उसको, बिल्स पेएबल या बिल रिसीवेबल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3rd जनवरी 2021, ये आ गया टू बिल्स पेएबल। अब ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, 3rd जनवरी से 3 महीने होते हैं फेब्रुवरी मार्च और अप्रैल, और 3 दिन अगर ग्रेस के ऐड करूंगा तो ड्यू डेट होता है 6th अप्रैल 2021, यानी मुझे ये जो बिल है उसका पेमेंट करना है 6th अप्रैल 2021। अब जो आगे का कैलकुलेशन है उसको शो करने का दो तरीका है, एक होता है रेड इंक इंटरेस्ट, रेड इंक इंटरेस्ट फॉर्मेट से अगर लिखने जाएं तो जो
प्रोडक्ट है वो यहां पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑपोजिट साइड पे कैलकुलेट करेंगे। क्यों, मैं समझाता हूं। ड्यू डेट कब है बेटा? ड्यू डेट तो है 6 अप्रैल को, पर 6 अप्रैल के जगह पे अगर वो सामने वाला पर्सन 31 मार्च को पैसे दे रहा है या हम उसको 31 मार्च को दे रहे हैं, वट एवर, तो इंटरेस्ट वो 6 दिनों का उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, देने के बजाय लेना पड़ेगा। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, एक्चुअली ये पैसे का लेन देन का प्रॉमिस कब है? 6 अप्रैल को। उसके जगह अगर सेटलमेंट 31 मार्च को होता है तो 6 दिन का इंटरेस्ट हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माइनस करना है। डेज जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 25 मार्च से 31 मार्च गिरना था तो 6 दिन पॉजिटिव है, पर 6 अप्रैल से 31 मार्च पीछे आना है इसलिए 6 दिन नेगेटिव है, ठीक है ना? ओके, तो यहां पे माइनस लिखेंगे, ये याद रखिएगा। प्रोडक्ट जब करेंगे तभी भी माइनस में आ जाएगा प्रोडक्ट, वो भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, कैश पेड बाय एक्स टू वाई। तो हमने वाई को पे किया, एंट्री होगा वाई टू कैश। कब पे किया बेटा? वाई टू कैश हमने पे किया 4 फरवरी को, 4 फरवरी। तो इसका ड्यू डेट वही होता है 4 फरवरी, और हमने कैश पे किया है 1,000 रुपया। तो 4 फरवरी हम यहाँ पे लिखेंगे, 4 फरवरी 2021, और डेज हम कैलकुलेट करेंगे तो फरवरी के 24 और मार्च के 31। सो दैट गिव्स यू 55 डेज हियर। उसके बाद 21 को गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, तो हमने बेचा तो एंट्री हुआ वाई टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हो रहा है मार्च 21 को, 21 मार्च 2021। तो इधर लिख दिया वर्किंग नोट में 21 मार्च 2021, और 7 दिन, सॉरी 21 से 31 ना, तो 10 दिन हो गए मार्च के। तो इधर डेज में लिख दिया 10, अमाउंट में लिख दिया 4,300, और ये जो डेट है वो सेम आ जाएगा 21 मार्च, ठीक है। अब गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स मार्च 28 को, तो इधर आ गए हम 28 मार्च 2021 बाय परचेज अकाउंट 8 अप्रैल का ड्यू डेट है, देखो वापस 8 अप्रैल 2021। तो अब मैं क्या करूं आप बताओगे, क्या करूं? तो सर यहां पे -8 लिखिए आप, है ना, लॉजिक वो ये उल्टा आ रहा है, -8 लिखना है। तो हमने ये क्या किया, हमने सारे ट्रांजैक्शंस लिखे, उसके ड्यू डेट्स लिखे, और फिर हमने डेज कैलकुलेट किया इस वर्किंग नोट में। ड्यू डेट से लेके 31 मार्च तक इतने दिन होते हैं, वो इधर डेज के कॉलम में लिखा। जहां पे ड्यू डेट मार्च के बाद है उधर हमने इधर नेगेटिव फिगर लिख दिया। अब मेरे पास एक्सेल है जिसका मैं प्रयोग करूंगा, ये प्रोडक्ट निकालूंगा 3000 × 182। तो आपको भी ये काम करना है, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सहारा लेते हुए फटाफट कर रहा हूं। तो ये आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही करना है कैलकुलेट प्रोडक्ट, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेचुरली डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो अभी ये प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पहले प्रोडक्ट का टोटल करना है, यहाँ 10,24,000 आया, ये 10,24,000 इधर हमने कॉपी किया। अभी इधर हमें क्या करना है, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का बैलेंस कितना है, तो मैं कैलसी पे कर रहा हूं 10,24,000 में से 5 लाख माइनस करोगे आप, और 3,64,000 माइनस करोगे, और सॉरी यार कुछ गड़बड़ हुआ, आप क्या करो 5 लाख, ख्याल से हाथ में ले जाते, 5,00,000 + 364 -21,600, ये बैलेंस आया 8,42,400। अभी 10,24,000 में से 8,42,400 माइनस कर देते हैं, तो बैलेंस मुझे दिख रहा है 1,81,600, ये हुआ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
इंटरेस्ट बैलेंस के ऑपोजिट साइड पे लिखना है, ये याद रखना आप, इंटरेस्ट बैलेंस के ऑपोजिट साइड पे लिखना है, ठीक है? तो मैं इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ये इंटरेस्ट होगा 1,81,600, इस पे 10% और एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1,81,600 इंटू 10% इंटू 1/365, तो 49.75 आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि आप उसको राउंड ऑफ करिए, तो हमने राउंड ऑफ करके 50 रुपए लिखे। तो 50 रुपए हमें, यानी कि एक्स को वाई से इंटरेस्ट लेना है, ठीक है? तो ये एंट्री हमारी हो रही है 31 मार्च 2021। अब हम अमाउंट का टोटल निकालेंगे, वापस एक बार लास्ट का प्रोसेस देखते हैं। डेज निकालने के बाद हमने क्या किया, अमाउंट इंटू डेज करके प्रोडक्ट निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा कौन सा प्रोडक्ट बड़ा है, तो डेबिट साइड का प्रोडक्ट ज्यादा दिख रहा है, तो डेबिट का टोटल इधर लिख लिया, वो यहां पे लिखा, और इधर बैलेंस निकाल। ये बैलेंस निकालने के लिए क्या किया बेटा, ये दोनों को ऐड करो, ये माइनस करो, जो बैलेंस आया उस बैलेंस को इसमें से माइनस किया, तो ये हमारा 1,81,600 बैलेंस आया। इसका इंटरेस्ट ऑपोजिट साइड पे लिखना है, इतना याद रखना, और इधर इंटरेस्ट आपको गिनना है एक दिन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो यहां हम ऑलरेडी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो आपको 1,81,600 जो कि बैलेंस है, इंटू 10%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला गया है, इंटू 1/365, तो इंटरेस्ट आता है 49.75, जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 50 रुपए। अब हम अमाउंट का टोटल लेंगे, अमाउंट का डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो 15,850, ये सेम फिगर हमने इधर लिख दिया 15,850, और अभी हमने बैलेंस निकाला, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो रियल लाइफ में कैरिड डाउन नहीं होगा बेटा, एक मिनट दीजिए, मैं पहले बैलेंस निकाल लेता हूं। तो ये बैलेंस दिख रहा है 5,650, एक बार चेक कर लूं, 15,850, ठीक है, 5,650 ये बैलेंस दिख रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, रियल लाइफ में ये बैलेंस नहीं निकलेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। रियल लाइफ में वाई सामने बैठा है, एक्स है, तो अभी वाई पैसे लेकर आया है, तो ये जो फाइनल हिसाब हो रहा है उसमें इंटरेस्ट मिला के 5,650 रुपए वाई एक्स को दे देगा और हिसाब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये था हमारा सॉल्यूशन अकाउंट करंट का, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।